तो क्या हाल है भाई लोग? भाई आज लास्ट डे है मेरा पहलगाम में, और अभी बेताब वैली जाएंगे और बाकी ग्रुप जा रहा है सोनमर्ग की तरफ, और मैं निकल रहा हूँ भाई घर की तरफ। मैंने बताया था कुछ फैमिली इशू था मेरे साथ, तो आज फाइनली अभी बेताब वैली करके मैं सीधा घर के लिए निकल जाऊँगा। और भाई लास्ट टाइम देखो क्या नज़ारा है यार। और भाई अभी तक स्नो कम्प्लीटली पिघली नहीं है भाई, अभी यहाँ भी स्नो है, अभी तो चारों तरफ स्नो है। तो भाई अभी सभी राइडर्स रेडी हो चुके हैं और अभी बेताब वैली के लिए निकल रहे हैं। और भाई अभी तक मैंने बाइक ड्राइव कर लिया है 899 किलोमीटर, और भाई टाइम हो चुका है 9:46, 9:46। तो और डेट ही बता देता हूँ, आज डेट है भाई 17 तारीख, और अभी देखते हैं बेताब वैली कैसी है। बेताब मूवी की शूटिंग हुई थी वहाँ पे, तो देखते हैं वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहता है। कल बनिहाल गए थे, वहाँ तो भाई क्या लाजवाब नज़ारे थे, आपने देखे ही हैं। और भाई क्या मस्त एडवेंचर राइड हुई है ना वहाँ पे यार, ऐसी स्नो में मेरी फर्स्ट राइड थी, और भाई क्या परफॉर्मेंस किया बाइक ने। और अभी सभी राइडर्स निकल चुके हैं, तो चलते हैं भाई हम भी और दिखाते हैं आपको बेताब वैली। ये देखो भाई स्नो कितनी ज़्यादा है यहाँ पे भाई साहब, बेताब वैली। और भाई रास्ते में ब्लैक आइस भी दिख रही है मेरे को एक जगह पे। ये देखो भाई बेताब वैली के नज़ारे क्या गजब है। पहुंच गए भाई बेताब वैली, और देखो ये देखो रोड पे स्नो, ये सामने बोर्ड लगा हुआ है बेताब वैली। चलो भाई जल्दी से बाइकों को लगाते हैं और चलते हैं अंदर। तो हम यहाँ लगा देते हैं फिर। तो चलो अभी दिख नहीं वहाँ पे रखो लगा दें यहाँ पे हम लोग थोड़ा, चलो पीछे लगा देते हैं कोई नहीं। उधर लगा, हाँ उधर पीछे लगा देते हैं। भाई ये और प्रॉब्लम है यहाँ पे, यहाँ लगा देते हैं और क्या। चलो भाई एक बार बाइक को लगाते हैं स्टैंड पर और फिर चलते हैं आगे। तो यार अभी एंट्री हो चुकी है बेताब वैली में, और 100 रुपये की टिकट लगी है यहाँ पे, और देखो कुछ नज़ारा ऐसा है। तो चलो अंदर दिखाता हूँ भाई फिर। तो भाई अभी देखो क्या खूबसूरत व्यू है, और पीछे देखो रिवर चल रही है, और ये है भाई बेताब वैली। ये बार 360 व्यू दिखा रहा हूँ आपको मैं। तो भाई देखो क्या खूबसूरत वादी है ना यार, मतलब मज़ा आ जाता है यहाँ की वादियों में घूमने में। तो चलो चलते हैं आगे और दिखाते हैं नज़ारे आपको भी। तो भाई बहुत ही प्यारा नज़ारा है, और सबसे दो चार चांद लगाने वाली बात है ना, मतलब ये पूरी पूरी स्नो स्नो के बीच में ना ये नदी, ये प्यारी सी नदी, देखो ये ग्लेशियर का पानी है उसका, मतलब आ रहा है बहुत ही ज़्यादा ठंडा, और उसके बीच में Thank you.
भाई देखो चारों तरफ स्नो ही स्नो है, और क्या खूबसूरत वादी है यार, मतलब शब्दों में तो बयां हो ही नहीं सकती यार। और भाई देखो इस खूबसूरत वादी में तुम्हारा भाई इतना मज़ा आता ना यार, यहाँ पे बस बता नहीं सकता। और भाई जब स्नो हट जाएगी ये सारे पेड़ भाई मस्त कवर हो जाएंगे पत्तों से, और क्या खूबसूरत नज़र आएंगे ना ये। तो कोशिश रहेगी जल्द ही आपको समर में भी कश्मीर का व्यू दिखाने की, बाकी अभी स्नो का मज़ा लो यार। चारों तरफ लोग फोटो शूट में लगे हुए हैं, और भाई क्या मज़ेदार। चलो यहाँ कोई नहीं गया तो यहाँ चलते हैं और देखते हैं कैसा रहता है आगे। तो भाई कश्मीर का एक्सपीरियंस बहुत लाजवाब रहा यार, बहुत ज़्यादा लाजवाब रहा। मतलब जो एडवेंचर हुआ, जो नज़ारे देखे यहाँ पे, ये जगह मेरे को नहीं लगता यार कि ये जगह किसी को पसंद नहीं आएगी। आप एक बार चारों तरफ देखो, तो यार देखो क्या मस्त हट बना रखी है ना वैली के बीच में। फोटो शूट हो रहा था अभी यहाँ पे, और चलो अभी हम भी ऊपर चलते हैं। एक बार मैं चारों तरफ दिखा देता हूँ आपको कैसा लग रहा है। और अभी विकास भाई ऊपर है तो चलो हम भी चलते हैं, और इस तरफ से है रास्ता। और यहाँ से कुछ ऐसा नज़ारा है, देखो ये कुछ नज़ारा दिखता है भाई यहाँ से। और ये भाई फोटोशूट, यहाँ पे बस फोटोशूट हो रही है अभी, लोग कर रहे थे अभी। मैं भी फोटोशूट करता हूँ यहाँ पे, जो कि आपको इंस्टा पे देखने को मिल जाएगी, और मैं अभी इंस्टा हैंडल भी डाल रहा हूँ नीचे देखो। तो चलो हम भी फोटोशूट कराते हैं और फिर आगे एक्सप्लोर करते हैं बेताब वैली को। तो यार अभी वुडनट से आगे आ चुके हैं, और यहाँ पे भी ऐसा कुछ नज़ारा है। चलो आगे भी कुछ दिख रहे हैं, कैंटीन है क्या है दिखाता हूँ आपको। तो भाई क्या मस्त लग रही है ना वैली, ऊपर सूरज की किरणें पड़ रही हैं और चारों तरफ बर्फ चमक रही है भाई, मज़ेदार एक्सपीरियंस। और अभी कुछ लोग आगे चले गए हैं, तो जल्दी जल्दी उनको पकड़ते हैं भाई और साथ में चलते हैं। तो देखो भाई वो घर बने हुए हैं ऊपर, और ये नीचे रिवर बह रही है भाई। समर्स में ये रिवर बहुत ब्यूटीफुल लगेगी। और अभी सामने एक लेक दिख रही है, तो देखते हैं कैसा नज़ारा है वहाँ पे भी। तो जल्दी से चलते हैं लेक के पास। लेक नहीं, ये भी रिवर ही है, ऊपर से बहती हुई आ रही है। तो भाई आगे एक पार्क दिख रहा है, और वहाँ का रास्ता थोड़ा सा टफ है। देखो आप कितने कितने पैर घुसे हुए हैं लोगों के, अभी देखते हैं हमारे भी क्या हाल रहता है। तो अभी आए हैं यार इतनी दूर, तो थोड़ा सा और सही। तो चलो यार चलते हैं आगे, दिखाता हूँ आपको दूर से। तो भाई बड़ा खूबसूरत पार्क लग रहा है, और क्या मस्त व्यू लग रहा है ना यहाँ से देखो। देखो अभी हम पार्क की तरफ जा रहे थे, और देखो ये अभी ये नहीं पता भाई ये आइस पुल है या सच में नीचे पुल है। लग तो नहीं रहा पुल है, क्योंकि पुल होता तो साइडों में ना बैरिकेडिंग सी होती, थोड़ी सी ग्रिल होती है, बैरिकेडिंग नहीं ग्रिल। और भाई देखो क्या खूब लग रहा है ना भाई नज़ारा, गजब। तो चलो क्रॉस करते हैं भाई, कभी नीचे ना दब जाए। और भाई कितने कितने पैर गए हुए हैं लोगों के, सुरंग बनी हुई है पूरी। भाई स्नो में चलना ही भाई एक डिफ़िकल्ट टास्क ही है, पर मज़ेदार बड़ा रहता है।
एक अलग ही एक्साइटमेंट होती है जब आपका पैर नीचे जाता है, एक अलग सा डर, मज़ेदार। तो भाई पहुंच गए पार्क की तरफ, और पार्क का रास्ता यहाँ से है जहाँ विकास भाई अभी खड़े हैं। तो चलो चलते हैं आगे और दिखाते हैं पार्क, बहुत खूबसूरत लग रहा है भाई। तो भाई देखते हैं यहाँ से क्या व्यू आ रहा है पार्क का। ओ भाई देखो कहाँ तक पैर गया मेरा अंदर। अरे यार फिर से वही शूज गिले होने वाली दिक्कत होगी। तो विकास भाई अभी बता रहे हैं पार्क तो बंद है, बट देखो व्यू क्या लाजवाब है ना भाई। मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको, देखो ये समर्स के टाइम पे खुलते होंगे मोस्ट प्रोबेबली। तो कोई बात नहीं, यहाँ तक आए हैं तो एक बार पार्क का व्यू तो देख ही लिया। तो चलो भाई चलते हैं फिर आगे और थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं, फिर निकलते हैं वैली से, क्योंकि आज ग्रुप को निकलना है भाई श्रीनगर की तरफ और मैं निकल रहा हूँ घर की तरफ। तो ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर सकते यहाँ, लिमिटेड टाइम है बहुत। एक बार व्यू देखो भाई क्या लाजवाब आ रहा है ना यहाँ, गजब। ये थी बेताब वैली, क्या खूबसूरत वैली थी। और यहाँ से निकलने का मन तो नहीं है भाई, बट क्या करें अभी टाइम लिमिटेड है, घर के लिए निकलना है हमें। तो बस आज आखिरी दिन था पहलगाम में हमारा, तो अभी देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाता हूँ मैं आज। तो चलो मिलते हैं भाई परसों की वीडियो में, तब तक करो एंजॉय भाई, राइड सेफ। तो चलो चलते हैं भाई अभी।